तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू धमाका वीडियो। एंड आज हम लोग खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 24 एंड करियर मोड का एपिसोड नंबर 4। लास्ट टाइम हम लोग की बॉलिंग तो भाई पूछो ही मत, क्या इतनी घटिया, मैं जिंदगी में ना करूं भाई इतनी घटिया बॉलिंग। हाँ बैटिंग करी थी वहां पे, अपना फर्स्ट 50 आया था। मैच स्टार्ट अभी तो है भाई, दिन कानपुर फिनिश द सेंट्रल इंडियन चैंपियनशिप क्लब T20 सीजन। भाई T20 हम लोगों ने फिफ्थ पोजीशन पे खत्म किया है, अब ये 50 ओवर्स का है। आई थिंक ये भी हमारा लास्ट मैच होगा 50 ओवर्स वाला, जहाँ पे अपने को पता चलने वाला है कि ये वाला मैच हम लोगों ने किस पोजीशन पे फिनिश किया है। एंड मैंने अपने कैरेक्टर में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, जो कि तुम लोगों को थोड़े बहुत देखने को, माइनर से चेंजेस हैं, ज्यादा वैसे चेंजेस नहीं है, तो कुछ चेंजेस किए हैं जो कि तुम लोगों को थोड़ा और अच्छा लगेगा कैरेक्टर देखने में। एंड सामने वाली टीम ने टॉस जीत के यहाँ पे बॉलिंग को चूज किया है। एंड आई थिंक यहाँ पे बैटिंग के लिए पिच सही है। तुम्हारा भाई आ गया बैटिंग के लिए, 229 रन हम मार चुके हैं, आई स्कोर 59 का है हमारा, मतलब आज हमें इससे ज्यादा खेलना है। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फेंकने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, क्या बात है यार, फील्डिंग का स्टाइल कैजुअल नहीं है, फील्डिंग तगड़ी है। एक प्लेयर ये आगे लेके आया, इसको पता है मैं डिफेंड करूंगा, इस वजह से मैं पता था, इसको पता था मैं इधर के साइड खेलूंगा शॉट। कट के लिए थोड़ी जगह इसने खोल के रखी हुई है, ठीक है, मैं बोल ही रहा थोड़ी जगह खुली हुई रखी है। एंड शॉट है भाई, इसको बोलते हैं SGM का क्लासिक शॉट। ये शॉट अच्छा है, आई थिंक चौका मिल जाना चाहिए, ओवर इसी वजह से अच्छा गया क्योंकि चौका मिल गया यार। अरे बच गया भाई, जिस प्रकार की यहाँ टाइमिंग थी ना, टाइमिंग कतई घटिया थी बट बच गया। एंड अभी मेरे को लगता है पेस बॉलर का अटैक अभी शुरू हो गया है, थोड़ा रेडी करते हैं खुद को, क्या बात है, शॉट बढ़िया है और आई थिंक चौका मिल जाएगा। ये मैं शॉट खेलने नहीं गया था, मैं सही बताऊं तो यहाँ पूरा टाइमिंग के ऊपर बातचीत आ गई थी। मैंने स्टार्ट यहाँ पे अच्छा किया, फुल एकदम साइलेंट होके बैटिंग करी, मतलब ज्यादा कुछ हल्ला बोल नहीं किया। ये कनेक्ट हुआ है ना भाई, फुल टॉस, यॉर्कर बॉल डाला था और फुल टॉस कनेक्ट करके मार दिया है एक चौका। ओके, फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, पीछे की साइड पे जगह खाली है तो हम उसका पूरा प्रयोग करने वाले हैं, 2 रन का ट्राई, बट चौका मिलेगा भाई लगातार। करीम को हमने 2 चौके मार दिए हैं, क्या बात है, शॉट की टाइमिंग बढ़िया, 2 रन का ट्राई कर रहे हैं और भाई डाइव मार के 2 रन पूरे किए, और इसी के साथ में हमारा सेकंड 50। भाई क्या बात है, अभी मतलब लग रहा है फॉर्म में है एसजीएम प्रिंस। 56 बॉल में ही 51 आया, बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे 50 कंप्लीट किया है, टीम को एक सही जगह पे लाके खड़ा कर दिया, जैसे आपकी टीम तब चल रही थी, मान लो अगर हम लोग तब ना खेलते उतना बढ़िया। एंड ये शॉट बढ़िया लग रहा है, जिस हिसाब से जा रहा है तो मेरे को लग ही रहा था चौका मिलना ही चाहिए, तो मेरे को ट्राई यही करना है कि मैं जितना इनको मार पाऊं उतना ही इनको मारना है, क्या बात है। यहाँ पे भी गैप गैप इस वजह से मेरे को मिल रहा है क्योंकि प्लेयर इन्होंने थोड़ा आगे लगा के रखा है, तो उसके ऊपर से शॉट मारता हूँ तो वहां पे कोई फील्ड नहीं है तो चौका मिल जाता है, मतलब थोड़ा मेरे को रूम बनाना पड़ेगा। अब मैं बोला तो था भाई रूम बनाना पड़ेगा, और रूम बनाना पड़ा है, चौका मिला है। ट्राई शॉट दिया था, लग गया है बल्ले का एज, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे 65 रन बनाया, बट कोई बात नहीं है, बढ़िया खेल गया। गेंद को लेके आ गए हैं, अब गेंदबाजी से थोड़ा कमाल करेंगे, फिलहाल तो बल्लेबाजी से करके आए हैं। ओ अटैकिंग मोड में लग रहा है पहने सर, मतलब स्टार्ट इसने जिस आपका शॉट खेल के किया है, मेरे को तो लगा भाई ये चांस है क्या, आई थिंक ये बाहर आके खेला था तो इस वजह से मुश्किल है, क्या बात है, ये आउट है, अभी आउट दे देना चाहिए, अभी तो लग रहा था भाई ये ऊपर ज्यादा था क्या, हाँ ऊपर ज्यादा निकल गया यार, यहाँ पे कटर ज्यादा वर्क कर रहा है अभी, यहाँ पे ये एक चीज समझ में आई है, मैं बोल ही रहा हूँ कटर वर्क कर रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है, एक बार ही लाइन से भटके हैं, अगली वाली गई भाई, मैं बोला अगली वाली गई, अगली वाली गई मतलब गई और मिल गई है यहाँ पे पहली सफलता। भाई देखो संघर्ष करना पड़ा अपने को, बहुत ज्यादा करना पड़ा, इन स्विंग डाला, कटर भी डाला, मतलब आउट स्विंग भी डाला, हर तरीका ऐसे ट्राई कर लिया, बट फाइनली कटर बॉल पे ही विकेट मिली है। स्टार्ट हम ऑफ कटर से ही करेंगे, बॉल यहाँ पे एकदम ही नेक्स्ट लेवल था, वैसे तो ये कटर बॉल है, ओ क्या क्लोज, मेरे को लग रहा है मेरे जितने बचे कुचे ओवर हैं वो ये अभी करवा देने वाले हैं, बाद के लिए ऐसा कुछ नहीं रखेंगे।
क्या बात है, काम कर गया। यहाँ पे एक यॉर्कर बॉल और शॉट लगाने का ट्राई किया था, कुछ इस प्रकार का शॉट था जो कि तुम लोग को अभी देखने को मिल रहा है। सोरेन को आउट कर दिया हमने एंड अभी सामने आए हैं करीम, मतलब जिस चीज के लिए ये लोग मेरे को रखे थे फाइनली वो चीज तो मैंने इनको दे दिया। ये बॉल है भाई, करीम भी ऐसा फास्ट बॉलर है, उसको भी हमने दो चौके रखे थे और अगर इसका हमने विकेट ले लिया तो नेक्स्ट लेवल। क्या बात है भाई, विकेट चाहिए बट अभी तक ये चीज ऐसा नहीं समझ में आ रही है। आउट है या आउट है, फंसा लिया है मैं बोल ही रहा हूँ मैंने फंसा लिया यार। इन स्विंग सेम बॉल पे लास्ट विकेट लिया था, उसने शॉट मारा था करीम को तो जीरो पे ही आउट किया, वो काम हमने कर दिया है। यहाँ पे इनका जो मेन बॉलर है एलजीएम प्रिंस, वो काफी तगड़ी बॉलिंग कर रहा है मेरे को लग रहा है। तो नई एक ट्रिक मिल गई है नई बॉल डालने की और जहां से विकेट मिल सकते हैं। तीन विकेट लिए और 185 पे टीम ऑल आउट कर दी है और यहाँ पे तुम्हारे भाई को मिल रहा है मैन ऑफ द मैच। आज दोनों चीजें हुई हैं भाई, एक वीडियो में अपना 50 था, एक पे अपना प्लेयर ऑफ द मैच था एंड आज अपने को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है एंड आज अपने को 50 भी मिली है। देख सकते हो भाई, सबसे ज्यादा मैंने ही रन मारे थे 68 पे 65 भाई, बॉल्स थोड़ी ज्यादा ली थी बट कोई ना, 50 ओवर्स के मैच के हिसाब से यार ठीक ठाक है यार। बट कोई ना, विकेट पे नजर डालो, तीन विकेट तुम्हारा भाई लेके आया है, भले ही थोड़ा महंगा साबित बट 19-20 का ही फर्क है, थोड़ा काम चला सकते हो यार। और ट्रेनिंग देखते हैं, ट्रेनिंग खुल चुकी है, जिम ट्रेनिंग करनी है अपने को। मैंने अभी तक क्या चीज नहीं ट्राई की है, बैलेंस बॉल ट्राई कर चुका, योगा में क्या है इजी करके देखते हैं। चलो योगा अभी तक ट्राई नहीं किया है, ये खतरनाक लगता है भाई मेरे को। गेट रेडी गो, ये क्या जा रहा है भाई, तुम लोगों को योगा पोज दिख रहा है, मैं तो बस इसको यूज करने में लगा पड़ा हूं। अभी मेरे को दोनों होल्ड भी करने हैं। हाँ अभी अच्छा सांस ले रहा है, अच्छा रिलीज अब अभी 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 वो अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, क्या क्या बदतमीजी है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, वो अरे फिर अलग जा रहा है, भैंस की डांग, ये क्या चल रहा है, मैं किधर किधर देखूं किधर मैं। अबे है भाई 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 भाई, भाई टफ है भाई 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 भाई, भाई, भाई टफ है भाई 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 मेरे मुंह भाई भाई मेरे मुंह से निकल गई भाई 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 भाई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ चल चल चल, अच्छा फिर से होल्ड कर तो लिया है। हाँ अभी इसकी बारी और होल्ड करना, रिलीज कर दिया। पहली बारी तुम्हारा भाई गोल्ड लेके आए यहाँ पे योगा में, क्या बात है, टेक्निकली यहाँ पे थोड़ा प्लस हुआ है अपना। पहली बारी तुम्हारा भाई इसमें भी, आज का दिन ही बढ़िया है भाई, सब में गोल्ड और कानपुर फिनिश द सेंट्रल इंडियन चैंपियनशिप क्लब 50 ओवर सीजन इन फर्स्ट पोजीशन। चलो किसी में तो फर्स्ट आया ना, मतलब ओडीआई हमारा बढ़िया गया यहाँ पे। और अब ये क्लब डे का लास्ट मैच है, इसमें वैसे चल कहाँ फिर हम लोग भाई, कानपुर ऑलरेडी फोर्थ नंबर पे चल रही है, बाय चांस ये मैच हम लोग जीत भी गए, शिगोवा के साथ में मैच है जो कि ऑलरेडी छठे पे चल रही है, तो भाई बहुत ही ज्यादा कम चांस है क्योंकि यहाँ पे जितनी भी टीम्स हैं सभी ने चार प्ले किए हैं मैचेस और मेरा ये आई थिंक पांचवा मैच है, तो सभी अभी पांच करेंगे, अगर गया यहाँ पे एक और जीत गया तो हो गया भाई उसका काम, बट कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग खेलने वाले क्लब के मैच को। तो गाइस हमारी वाली टीम टॉस जीत गई है एंड टॉस जीत के भाई कैप्टन ने बैटिंग चूज किया, पता नहीं क्या भाई गांजा वांजा फूक के आता है क्या। आज तो फुल वार्म अप शॉर्म अप होना चाहिए क्योंकि रन ठोकने वाले हैं, फॉर्म में चल रहे हैं आज, और फॉर्म में चल रहे हैं तो स्टार्टिंग से ये नहीं है कि बस चौके मारना स्टार्ट कर दिए, थोड़ा पिच को समझना है, बट आज मन नहीं हो रहा है भाई पिच को समझने का। अब स्टार्ट मैंने चौके से किया, उसका एक स्लिप हट गया, मतलब समझ रहे हो खौफ आ गया उसको एक चौके में एंड दूसरा वाला भी कनेक्शन तो बढ़िया लग रहा है भाई, कनेक्शन नहीं बढ़िया, मैं समझ गया हूँ अभी खेलना कैसे है इनको। एंड बाय द वे कोई ये मत सोचना भाई कि मैं यहाँ पे इजी कर लेता हूँ, डिफिकल्टी जो भी है सेम एज सच एज ऐसी ही रहती है, मैं कुछ भी चेंज नहीं करता हूँ, बट अगर आपको फिर भी बिलीव नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बट आई स्वेयर मैं यही फील्ड डिफिकल्टी रखता हूँ, कोई बात नहीं है। एस चौधरी फील्डिंग आ गई है, कवर्स के साइड फील्डिंग आ गई है, दो चौके बढ़ते ही फील्डिंग आ गई भाई, ओ शॉट है, क्लास है, कनेक्शन है, चौका है। अगर मैं बाय चांस खेलने चला गया, हाँ ऐसे बॉल आओ ना, अगर तुम देखो हमारे एरिया के अंदर बॉल दोगे तो फिर वो अब चौका ही जाने वाली है क्योंकि हम चल रहे हैं फॉर्म में भाई, विश्वास आ गया है, बट विश्वास में पता क्या दिक्कत है, ये बुमराह का दूसरा भैया है भाई, मैं बोल ही रहा था ये बुमराह का दूसरा भैया है,
बट इसको पता नहीं है हम भी कोहली के दूसरे भैया हैं। टीम का जो बीच का पार्ट होता है लाइक मिडिल ऑर्डर, वहां पे मैं खेलने आता हूँ। अगर वहां वो थोड़ा मजबूत रहेगा ना तो पूरी टीम अच्छी रहेगी। शॉट बढ़िया था वैसे, लेग साइड में गैप अच्छा था, यहाँ पे पुल किया और चौका बटोरा है। मतलब ओडीआई वाली बैटिंग यहाँ पे चल रही है अपनी, फिर वो ये जिधर से भी आ जाए। भाई अब फॉर्म में है तुम्हारा, ये शॉट से समझ में आ गया है तुम्हारा भाई फॉर्म में है। इसको तो गंदा मारने वाला है, इस विश्वास का मैं इसके खुद से विश्वास उठा दूंगा। क्या बात है, गैप ढूंढ के ही लाएंगे हम, तुम जहां भी फील्डर लगा लो। मैं बोला ना विश्वास का, मैं विश्वास से ही विश्वास उठवा देने वाला हूँ। उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है मैं प्लेयर लगाऊं तो लगाऊं किधर। और यहाँ पे 50, भाई मेरे को लग रहा है लास्ट टाइम हमने ओडीआई में 50 मारी थी, अभी आज भी हमने ओडीआई में 50 मारी। और ये हमारे पहले, एक टाइप से बोल सकते हैं ये कौन से बोले जाते हैं मैचेस, क्लब के कुछ ये होते हैं कुछ टेस्ट टाइप जैसे। इसकी अपनी पहली 50, ये कौन है? क्योंकि हम तो आपको ऑलरेडी मारने वाले हैं, आप कुछ भी कर लो यहाँ पे। यहाँ पे मेरी टाइमिंग मेरे को फंसा सकती है, बाकी मेरे को अब कोई नहीं फंसा सकता। प्रेशर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, फुल बैटिंग चल रही है। बॉल भटक गया भाई, यहाँ भटक गया, मैं समझ गया था। रिव्यू लेने का भी मन, रिव्यू भाई क्या ही लूं इसमें, ऑप्शन तक तो आया नहीं रिव्यू लेने का, बट कोई बात नहीं है यार। 51 पे 56 मार गए हैं, और मैं बोल ही रहा था थोड़ा क्लोज है विकेट, बट टाइम लगेगा अभी। तो मैं स्टार्ट जब ऐसा मिल जाए ना तो आगे समझ में आ जाता है ये चीजें भाई देखने लायक नहीं है। जिस हिसाब की बॉलिंग होनी चाहिए वैसी बॉलिंग ही नहीं चल रही, अब वैसी बॉलिंग चलेगी नहीं तो हो गया काम फिर। ये एज लगा था साड़ू, कोई तो कैच पकड़ लेता, अच्छा खासा कैच छोड़ दिया। अभी ले लो विकेट तुम, चलो फाइनली। मैं जो चीज चाह रहा था उसमें ही फंसा है, इन स्विंग के ज्यादा मैं माहौल बना रहा था, इन स्विंग पे माहौल बने और माहौल इन स्विंग पे बन गया। कैच ले लिया है बढ़िया, कीपर का कैच, और एंड सामने के विश्वास जिसको कि मारा था यहाँ पे उसका विश्वास से विश्वास उठाया था। एंड बॉलिंग कोई बात नहीं है, ये ओवर में भी लीव करेगा या फिर कुछ रन बनाने का ट्राई। क्या बात है, मैं पता था यहाँ पे अगर डिफेंड करने जाएगा एज लगेगा विकेट मिलेगा। दो दो सफलताएं लेके आ चुके हैं भाई, दो ओवर में दो मिल गई, बताओ मिल नहीं रही थी तो मिल नहीं रही थी, दो में दो मिल गई। और आज कुछ ऐसा टारगेट अच्छा रखना है, हम लोग लीड कर रहे हैं 112 से। क्या बात है, स्टार्ट स्टार्ट करते ही ऐसा है कि सामने वाले की अलग ही दहशत एक बैठा रहे हैं हम, कि अगर ये बल्लेबाज आ गया तो टेस्ट का T20 बना के जाने वाला है। क्या बात है, कवर ड्राइव यहाँ पे और चौका मिलेगा, वहां से मामला डाउन हो जाता है। बट इस बार ही लग रहा है डाउन नहीं है, डाउन द ग्राउंड है एंड चौका है। सामने वाले को प्रेशर में ले रहे हैं, अपना प्रेशर कम कर रहे हैं। क्या बात है, शॉट की टाइमिंग, भाई टाइमिंग के ऊपर ही सब कुछ है, इन पे सबर नहीं है ना, इनको तुरंत ही स्पिनर लाने हैं। यार भाई बच गया, बच गया, और ये चौका है। फिर लगते फ्योर मैं भूल गया था भाई, घुमाओ फिराओ वाला है, ये आउट कर देता था ना, ले भैंस की डांग, आज पहली बॉल पे चौका मारा है भाई। वो पूरा ओवर खेल गया अपना नॉन स्ट्राइकर एंड, एंड फिर ये मेरे को देखने को मिल गया। अब की बारी सही गया, पहली बॉल पे एक रन ले लिया है, शायद ये पूरा ओवर खेल जाए, बट भाई ये खेलेगा नहीं भाई। बढ़िया रन नहीं लिया, शिवांश चौधरी फास्ट बॉलर देखने को मिला है, फास्ट बॉलर पे मेरा अलग ही कहर जमा पड़ा है इस टाइम पे। फील्डिंग है यार, क्या बात है, शॉट अच्छा ये भी है, कवर ड्राइव का, दो रन का ट्राई, बट शॉट में क्लास था इस बारी, चौका मिल गया। ओवर का लास्ट बॉल है, कवर ड्राइव में फिर से ट्राई करने वाला हूँ, कनेक्शन है भाई, फास्ट बॉलर में यही आराम है, कनेक्शन बैट से इतना बढ़िया होता है कि फिर वो चौके के लिए बॉल जाती है अगर वहां पे गैप है। अरे भाई फील्डिंग, सही गैप का प्रयोग किया है और चौका बटोरा है एसजीएम प्रिंस ने। इनको पता है मैं इसी गेम में प्रेशर में रहता हूँ, दो चौके मार दिए ना इसके ओवर में, बट वही मुश्किल है भाई, बाकी कुछ भी कर सकता हूँ, इसके ओवर में चौके मारना मुश्किल पड़ जाते हैं, अलग ही टर्न हो रहा है बॉल, रिस्क लेना पड़ेगा।
मैं बोल ही रहा था रिस्क यहाँ पे लेना पड़ेगा, वहां पे प्लेयर दिख नहीं रहा था। सिक्स आया है पहला भाई, पहला सिक्स आया है यहाँ पे इस जो अभी हम लोग ये जो खेल रहे हैं क्लब का 3 डेज का मैच। और आई थिंक नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सही बॉल फेंकेगा। घूमती चोटी, शॉट अच्छा लग रहा है मेरे को। 2 रन का मैं ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि चौका मिलेगा इस वजह से। और इसी के साथ में यहाँ पे अगर 50 काउंट किया जाए तो आई थिंक ये चौथा 50 अपना यहाँ पे मैंने मारा है। अच्छी बात ये है अभी कोई प्रेशर नहीं अपने ऊपर। शॉट बढ़िया है, कवर ड्राइव चौका। भाई कवर ड्राइव के चौके तो आज 5-6 चौके तो कवर ड्राइव के आए होंगे आज। अटैक करने तो अच्छी बात है, कर ले भाई अटैक। इस मैं अभी 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 अपने खेलने पे आ गया ना, हालांकि मैं आज फास्ट बॉलर को मारने पे लगा पड़ा हूँ क्योंकि आज फॉर्म अच्छा चल रहा है अपना। कोई टेंशन नहीं लेनी है, फुल खुल के खेलना है। क्या बात है, कवर्स का इलाका पूरा खाली करके रखा हुआ है जबकि मैं कवर्स में चौके अच्छे मार रहा हूँ। भाई जब तक कवर्स का इलाका खाली रखोगे ना, मैं कहीं और शॉट का दिमाग ही नहीं जाएगा। 59/80 खेल चुके हैं, बढ़िया बैटिंग चल रही है और टाइमिंग की बात तो हो ही जाती है। मैं बोल ही रहा हूँ कोई बात नहीं है, कवर्स के साइड पे प्लेयर लेके आ गए हैं। अभी बुद्धि काम करिए इनकी, 10 साल बाद। अभी तक पता नहीं कहाँ पे इनकी बुद्धि थी बट वहां से भी हमने गैप निकाल लिया। एंड ये भी फुल ट्राई मारेगा विकेट लेने का, तो अभी सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है देखने वाली बात है। यहाँ तो मैं दो तो ट्राई करने वाला हूँ और 2 यहाँ पे मिल भी गए हैं। लास्ट बॉल 1 रन, मतलब इस ओवर का लास्ट बॉल है 1 रन, वो ट्राई करेगा। इसमें ना बने, मैं ट्राई करूंगा, मेरा इसमें बन गया तो ज्यादा बढ़िया बात है, टेंशन खत्म होगी, खुल के थोड़ा खेल फिर खेल लेंगे। बाहर का बॉल रखा था, 1 रन पूरा किया है, दूसरे का हम ट्राई नहीं करेंगे। ओवर का लास्ट बॉल, इसी के साथ में पहला 100। क्या बात है भाई, 96 बॉल पे ही भले आया हो बट पहला 100 आया तुम्हारे भाई का। अभी तो लाइक मार दो यार, लाइक मार के जाओ अभी, मतलब जाओ मत अभी तो पूरा देख के जाओ, बट पहला 100 आया। वहां पे अब जगह मेरे को दिख रही है अच्छी खासी और 100 मेरा लग ही चुका है। मैं रुकने नहीं वाला हूँ, अब मैं जितना बड़े बड़े शॉट खेल पाऊंगा मैं बड़े बड़े शॉट का ट्राई करूंगा। नहीं आउट नहीं है, बैट लग गया था, अगर बैट ना लगता भाई, बैट स्विंग हो जाता और सीधा बॉल पैड पे लगती। तो कोई बात नहीं है, जितना हम लोग चाह रहे थे वो चीज हुई है और एक बढ़िया इनिंग खेल के हम लोग यहाँ पे गए हैं, बढ़िया पारी खेल के गए हैं। देखो सारे बॉलर्स ट्राई करेंगे विकेट लेने का बट अपन कुछ अलग ही ट्राई करेंगे। भाई मैं बोल ही रहा था अपन यहाँ पे कुछ अलग ही ट्राई करेंगे। क्या यार इतना क्लोज कैसे, किस प्रकार से इनका विकेट आसानी से लिया जा सकता है। जैसे आपका बॉल लिया, बॉल बढ़िया था यहाँ पे बट 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 अलग ही लगा है। ये आउट के चांस लग रहे हैं, बैट निकल के, अच्छा ये इधर लग रहा है, मतलब इसके पैर पे लग के गया है। वही मेरे को लगा बॉल कहीं तो लग के गया है यार, चांस तो बना है। बढ़िया बॉल यहाँ पे, ये एज आया यार। अरे बोलो के पास ऑप्शन है लीव करने का, वो लीव करेगा क्लोज, और क्या बात है, क्या चलिए यहाँ पे बॉलिंग, बॉलिंग ने विकेट ले लिया, मेरे को विकेट ही नहीं मिला, बट विकेट नहीं मिला बट आज 2-2 प्लेयर ऑफ द मैच लेके आए हैं भाई। क्या बॉलिंग क्या बैटिंग, किसी की भी बात करो सभी बढ़िया रही है भाई। फर्स्ट इनिंग में अपनी बॉलिंग भी बढ़िया रही, 2 विकेट लेके आए थे हम बट बैटिंग पहली इनिंग में भी बढ़िया थी, 56 मारे थे। सेकेंड इनिंग में तो भाई हम ही टॉप पे चल रहे हैं, 105 रन के साथ में अपनी पहली 100 आई है यहाँ पे, बहुत बेकार है। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग चली नहीं बट ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट था। एंड देखते हैं हम लोगों ने कितने नंबर पे फिनिश किया है, देखने वाली बात ये होने वाली है। एंड क्लब का मैच फिर से जबलपुर के साथ में, सेंट्रल इंडियन चैंपियनशिप इज नाउ कंप्लीट। एंड ये मैच है 50 ओवर का, ओके ये फाइनल है 50 ओवर वाले का, ये लिख क्या रहा है सेंट्रल इंडिया चैंपियनशिप फाइनल जो कि जबलपुर के साथ में है। और चांस इसमें गाइस क्या बनने हैं, 50 ओवर का है यार, क्या ट्राई कर सकते हैं या फिर जाने दो इसको हम लोग। तो फाइनल के बाद कुछ तो नया देखने को मिलेगा, मेरा तो मन कर रहा है इस फाइनल को प्ले कर लेते हैं हम लोग तो ज्यादा सही रहेगा। देखते हैं यार 50 ओवर के फाइनल को हम लोग जीत पाएंगे या फिर फाइनल में आके हार जाएंगे, देखने वाली बात है। एंड यहाँ पे अपनी टीम टॉस जीत गई और बॉलिंग चूज किया, मतलब कि बॉलिंग अगर अच्छी है
भाई बॉलिंग क्या चली है, तुम लोगों ने देखा क्या? 5 विकेट ले लिए हैं हमारी टीम, क्या बॉलिंग चली है आज। प्रेशर है सामने वाले पे भाई, हमारे सामने सब चलते हैं, प्रेशर कितना भी हो किसी पे। हमारा इस टाइम पे बॉलिंग में आज का दिन थोड़ा है, ठीक ठाक दिन है। मतलब आज के दिन तो शायद 5 विकेट लिए हैं अगर टोटल विकेट काउंट करूं। वैसे तुम लोग काउंट करके बताना कितने विकेट लिए हैं मैंने। क्या नेक्स्ट लेवल बॉलिंग, मतलब लग रहा है यहाँ से हम लोग इतना बढ़िया। क्या बॉल है यार, लास्ट बॉल है ओवर का, माहौल उसका बिगड़े और आई थिंक अरे एज लग गया था भाई, एज लग के जमीन पे लगा था। स्कोर उतना ज्यादा तगड़ा नहीं जाने वाला, कैच ले लेता यार तो कैच ऑफ द मैच हो जाता। अरे वो आ गया, फेक जल्दी फेक जल्दी फेक जल्दी फेक, चांस बनेगा क्या? कैच। अब यहाँ पे एआई के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा। कीपर के हाथ में बॉल आया, वो वहां से इतना दूर है, कीपर मस्त मार सकता था। वो आ रहा है, कीपर उसको देख रहा है। कभी उनके भी रन बन नहीं रहे हैं क्योंकि यॉर्कर के अलावा मैं किसी पे विश्वास ही नहीं है। और ये आउट है, ये आउट है। मैं बोल ही दिया, देखो बॉल फेंका लगा, मैं तुरंत ही वहां से हट गया। और यहाँ पे रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं लेना, पता है क्योंकि एशियन प्रिंस हैं सामने, बॉलिंग कर रहे हैं। और भाई अभी एक ही विकेट बचा है, पठान मेरे सामने है। वो पता क्या है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बंदे हैं उनका विकेट लिए जा रहे हैं, ये बेचारा खड़ा होकर अकेले कुछ रन बटोर पा रहा है टीम के लिए, वही चल रहा है। बट मेरे को लग रहा है टीम 3-4 ओवर के अंदर ऑल आउट हो सकती है, इतनी दम तो हमारे बॉलर ऐसा रखते ही हैं। मैं बोल ही रहा था कोई और विकेट ले जाएगा, कोई और विकेट ले गया है। और तुम्हारा भाई आ गया है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। 455 रन अभी तक हमने ठोक दिए हैं। मकाबन ने यहाँ पे इस ओवर के पहले बॉल पे विकेट ले लिया है, 127 का टारगेट है। मैं मैच तो हम लोग ऑलरेडी जीते पड़े हैं, बाकी हम कर सकते हैं चेस। क्या बात है, बस इतना ही आराम से खेलना है। जहां पे बॉल लगे थोड़ा वाइड यॉर्कर टाइप्स कुछ बॉल आ रही है, बस उसको छक्का मार दो। चांस तो मेरे को नहीं लग रहा है मैं इस मैच को फिनिश कर पाऊंगा। मैं बोला ही था मैं चांस कोई वो नहीं है इतनी। वैसे जीत तो गए ही कानपुर भाई, मैं इजी अगर शॉट खेलता मैच जीत जाते, बट थोड़ा एक था बड़े शॉट खेलने का वो था, बट क्या ही बोल सकते हैं आप। एंड इसी के साथ में हमारे हाथ में आ गई है ट्रॉफी। मैं किधर पे हूँ भाई, मैं यही बैठा हूँ भाई पास में। इसी के साथ में पहली ट्रॉफी अपने को मिल गया 50 ओवर्स के इस लीग की, बोल सकते हैं क्या ये 50 ओवर्स की लीग थी या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो मैचेस थे अपने वनडे के, उसकी वनडे ट्रॉफी अपने को मिल गया फिलहाल। सेंट्रल इंडिया चैंपियनशिप इज नाउ कम्प्लीट, एंड अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है इसको हम लोग देखें क्या। आगे अभी कुछ शो नहीं कर रहा है तो मैं क्लिक करने वाला हूँ इस पे। ओके पूरा ईयर चल रहा है ये तो, मतलब कुछ ईयर ही लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट मैच अपने को सीधा 1 साल बाद लग रहा है। अबे दिन चल रहे हैं घटाघट, कुछ आगे भी तो बताओ बे। मेरे को लग रहा है कुछ सीधा मैच ही देखने को मिलेंगे। और मैच डे आ गया है, क्लब का T20 मैच है यहाँ पे, और नेक्स्ट मैच है अपना गया के साथ में जो कि T20 मैच है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो तुम लोग कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। लाइक का टारगेट है 15 लाइक्स का, वही टारगेट है, तुम लोग बस लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेट रहा भाई, गुड बाय, राधे राधे। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey!